हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे कर रहे होंगे। मेरे रूम पे आ जाए भैया, और भैया का मॉर्निंग में फ्लाइट है। हाय बोल दीजिए सबको। हेलो। तो अभी भैया का फ्लाइट है मॉर्निंग में, तो अभी हम लोग रूम पे आए। तो अभी हम लोग का खाना खत्म हो गया था, तो फिर अभी ऑर्डर किए हैं जस्ट, तो पार्सल आ गया। तो चलिए पार्सल लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में जाएंगे भैया को छोड़ने एयरपोर्ट। यही तो फायदा है बड़े शहर में रहने का। आप रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने बजे भी भूख लगे, आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं। फाइनली हमारा पार्सल आ गया है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे, 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से 4 बजे निकलेंगे, क्योंकि हम लोग का फ्लाइट 6 बजे है। मतलब मेरा नहीं, भैया का फ्लाइट है। तो यहाँ से कितने बजे निकलिएगा? 4 बजे 4 बजे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मॉर्निंग में ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, तो हम लोग सुबह में निकलेंगे। तो सबसे पहले खाना खाते हैं। हम लोग का कबाब आ गया है, और ऑलरेडी हम लोग का राइस था पीजी में बचा हुआ, राइस और ग्रेवी है और कबाब। तो चलिए खाना खाते हैं अभी। तो शो कर उठ गए हैं, और जल्दी से हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। भैया रेडी हो गए हैं बैग लेकर, लेट हो रहा है, तो जल्दी से निकलते हैं फटाफट यहाँ से। आज मैं क्या बोलूँ बेंगलोर के ट्रैफिक के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कितना रोड क्लियर है। मॉर्निंग में अक्सर ऐसा होता है, और ये रोड मतलब एयरपोर्ट रोड है, तो क्लियर ही रहता है मैक्सिमम टाइम। तो हम लोग आराम से वहाँ पे पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट पे। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट रोड ऑफ बैंगलोर है। यहाँ पे मतलब इतना लाइटिंग लगाया हुआ है, इतना मस्त फैसिलिटी है ना भाई। और गलती से यहाँ पे एक चीज़ है, अगर गलती से आप अपना जो टर्न है मिस कर दिए, तो फिर आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में हम लोग पहुंच जाते हैं, और देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है। और क्या भाई, मतलब बैंगलोर का एयरपोर्ट है ना, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर के साथ बनाया हुआ, बहुत ही मस्त व्यू है भाई। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त लाइटनिंग वगैरह रोड है। यहाँ का एयरपोर्ट रोड वो भी बहुत ही शानदार है। तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग वहाँ से निर्धारित समय से पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बाय बाय। तो भैया पहुंच गया फाइनली एयरपोर्ट। हम लोग आए हैं केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर, और चलिए हैप्पी जर्नी। भैया से आशीर्वाद लेकर, भैया को हैप्पी जर्नी बोलते हुए हम वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि भैया का फ्लाइट का टाइम हो गया था। तो भैया को बाय बाय बोलते हैं, हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए अभी हम भैया को एयरपोर्ट छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम इस एयरपोर्ट से मतलब भैया को यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपने रूम पे। तो देखिए ये है, आपको दिखाते हैं, है आपका केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। ओके, एयरपोर्ट रोड ऑफ बैंगलोर। तो अभी हम लोग यहाँ से भैया को छोड़कर अभी निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना मस्त मतलब एयरपोर्ट रोड बनाया गया है, और एयरपोर्ट जो भाई बहुत शानदार एयरपोर्ट है यहाँ पे। मतलब डेवलपमेंट डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पे अपना घर का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर अपना पर्टिकुलर आपका जो पर्टिकुलर एरिया है उसका डेवलपमेंट हो, नहीं, ये पूरे स्टेट का डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट इतने अच्छे से भाई, जल्दी से निकलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आपको आगे। दोबारा मोबाइल को वापस लेने के लिए आना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है वीडियो को शूट करना और दिखाना। तो आपको दिखाना चाहेंगे हम। यह है आपका केंपेगौड़ा इंटरनेशनल रोड ऑफ बैंगलोर। भाई क्या मस्त रोड बनाया है। एयरपोर्ट से आकर सो गए थे, फिर शाम के टाइम में दोस्त का कॉल आया कि चलो भाई कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोग आसपास में लोकल एरिया है, वहाँ पे पहाड़ है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। निकलना होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, देखिए ऊपर का व्यू। अभी शाम का 6 बज रहा है, और अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर। ऊपर में जाकर इंजॉय करेंगे इवनिंग, और यहाँ से सनसेट देखें। सनसेट हो गया क्या? हाँ सनसेट हो गया, दिख जाएगा तो दिख जाएगा वहाँ से। हाँ चलते हैं अभी ऊपर।
हैं, शाम में सनसेट देखने आते हैं। देखिए कितना कचड़ा फैला कर रखे हैं। हम लोग कोल्ड ड्रिंक लिए थे, इसको जा रहे डस्टबिन में डालेंगे। सब लोग अपना अपना हम लोग कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है उसको लिए जा रहे डस्टबिन में डालेंगे। सब लोग पूरा कचड़ा फैला कर रखे हैं। हमने हाल ही में एक मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था प्लास्टिक जो हम लोग थ्रो करते हैं उसको लेकर। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अपने रूम पे। सोकर जब उठे तो दोस्त का कॉल आया कि भाई चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो बाहर जग गए हैं उसके साथ। बाहर से हम लोग घूम के आए, उसके बाद फिर अभी अपने रूम पे आ गए हैं और अभी जा रहे हैं खाना खाने। 8 बज गया तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आराम से मस्त सो जाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं भी समाप्त करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि कुछ एडवेंचरस ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।